हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी चाय पीने से होने वाले नुकसानों के बारे में। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना नई नई जानकारी लेकर आती हूँ, जिससे आप घर पर ही अनेकों बीमारियों से इलाज पा सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो टाइटल के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए। आज हम बात करते हैं चाय से होने वाले नुकसानों की। दोस्तों, कई सारे लोग ऑफिस में दिन भर चाय पीते रहते हैं। अधिकतर लोग व्रत या उपवास में भी चाय ही पीते हैं। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, तो वह आपको सबसे पहले चाय छोड़ने के लिए कहेगा। चाय की हरी पत्ती पानी में उबालकर पीने से कोई बुराई नहीं है, परंतु जब ये फॉर्मेट होकर काली चाय बन जाती है तो उसके कई सारी बुराइयां आ जाती है। आइए जानते हैं दुष्प्रभावों के बारे में। चाय हमारे शरीर में गर्मी तथा पित्त बढ़ाती है। चाय के सेवन करने से शरीर में उपलब्ध विटामिन नष्ट हो जाती है। चाय के सेवन से स्मरण शक्ति में दुर्बलता आ जाती है। चाय का सेवन लिवर पर बुरा प्रभाव डालता है। चाय का सेवन रक्त आदि की वास्तविक ऊष्मा को नष्ट कर देता है। दूध से बनी चाय का सेवन करने से आमाशय पर बुरा प्रभाव पड़ता है और पाचन शक्ति को नुकसान पहुंचाता है। चाय में उपलब्ध कैफीन हृदय पर बुरा प्रभाव डालती है। चाय का अधिक सेवन करने से हृदय रोग हो जाते हैं। चाय के सेवन से दांत खराब हो जाते हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि जगह की चाय का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग बर्तन को बिना साफ किए बार बार उसी बर्तन में चाय बनाते रहते हैं, जिसके कारण कई बार चाय विषैली हो जाती है। इसलिए चाय को दोबारा गर्म करके ना पिएं। चाय के सेवन से भूख मर जाती है, दिमाग सूखने लगता है, डायबिटीज जैसे रोग हो जाते हैं। कई बार चाय के सेवन से कमजोरी और पेट में गैस बनना भी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे चाय पीने से होने वाले नुकसान। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।